यूपी पुलिस सिपाही की मौत का मामला सामने आया है। जो सिपाही 25 अगस्त की शाम करीब 8:30 बजे पुलिस लाइन आता है और सुबह मालूम होता है कि पुलिस बेरी उसमें फर्स्ट फ्लोर पर जो बाहर बनी हुई बालकनी है उसमें उसकी डेड बॉडी मिलती है। अधिकारी वहां निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि रात को ही सिपाही बेरी की छत पर सोने गया था और आसपास के जिस हालत में जो एविडेंस मिले हैं उससे लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है। फिर कई सवाल जो पुलिस के सामने पहेली बनकर खड़े हो जाते हैं। सहारनपुर की पुलिस लाइन में वो जो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस लाइन में ही संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला सिपाही का शव। नवीन बैकर की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मिला खून से लथपथ शव। पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी है। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस लाइन में शव कैसे मिल सकता है, वो भी यूपी पुलिस के सिपाही का। मृतक सिपाही का नाम सनी सन ऑफ माधव सिंह जो आगरा का रहने वाला है। सहारनपुर के थाना बड़ा गांव में पोस्टिंग था। 25 अगस्त की शाम ही 2021 बैच के मृतक सनी की पुलिस लाइन में ड्यूटी लगी थी। मृतक सिपाही नवीन बेरी की तीसरी मंजिल पर रहता था। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कल ड्यूटी करके शाम को करीब 8:30 बजे पुलिस लाइन आते हैं और सुबह मालूम होता है कि जो हमारा बेरिक है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर जो बाहर निकली हुई बालकनी है वहां पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ, एक सिपाही है, इनका नाम सनी है और ये किस बैच के सिपाही है और ये बड़गांव थाने में अभी इस टाइम पे ड्यूटीरत हैं और सीआर काटने के लिए पुलिस लाइन आए थे। कल ड्यूटी करके वापस करीब शाम को 8:30 बजे वापस पुलिस लाइन आते हैं और सुबह ज्ञात होता है कि जो हमारा बैरक है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे बाहर बालकनी बनी हुई है वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिलती है। मुँह के बल वो गिरे होते हैं और जब फॉरेंसिक यूनिट वहाँ पे आती है, उच्च अधिकारी द्वारा भी वहाँ पर घटना से निरीक्षण किया जाता है, तो पता चलता है रात को ये 11 बजे अपनी छत पर, जो बैरक की छत है वहाँ पे सोने गए थे। और जो आसपास के एविडेंसेस मिले हैं, जो आसपास के उनकी जो स्लिपर्स या चप्पलें मिली हैं और उनका बेड मिला है, बाकी सामान जिस हालत में मिला हुआ है, इस तरह प्रतीत हो रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये या तो जो बैरक की छत है उसके साइड में रेलिंग जो है उस पर बैठ कर या तो ये बात कर रहे थे फोन पे या फिर कुछ बैठे हुए थे और उसी दौरान ये घटना हुई है और ये गिर गए हैं। मोबाइल भी नहीं मिला? मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया, मोबाइल इनके बैग में भी था और मोबाइल मिल गया। चोट कहाँ हुई? चोट मेनली इनके मुंह पर है और एक सर पर है। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।